कलर्स टीवी के शो डारिया में जल्द ही 20 साल का लंबा लीप आने वाला है, जिसके साथ शो में नए लीड स्टार्स अलीशा परवीन, अनुराग चहल और अदिति भगत शो में एंट्री करेंगे। वैसे तो शो के नए प्रोमो में तीनों ही स्टार्स की झलकियां जनता पहले ही देख चुकी है, यहां तक कि सभी के किरदारों के नाम भी रिवील किए जा चुके हैं और उनका अंदाज भी। लेकिन अब पहली बार अपने अपने किरदारों पर शो के नए लीड स्टार्स ने खुलकर बात की है। वहीं शो की नई एक्ट्रेस अदिति भगत यानी कि आसमा ने तो कहा है कि शो के दूसरे जनरेशन लीप का हिस्सा बनना कहीं न कहीं उनके लिए बड़ी चुनौती भी है। जी हाँ, कोई मोई से बातचीत में सबसे पहले शो में आलिया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अलीशा परवीन ने अपने किरदार को लेकर बताया कि आलिया का किरदार शो में साहसी और विद्रोही किस्म की लड़की का, जो सोचती है कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान कनाडा जाने से हो जाएगा। आलिया कहती है कि गठबंधन और मुस्कुराने की वजह तुम हो के बाद कलर्स के साथ ही उनका तीसरा शो है। आलिया कहती है, मैं मेरी प्रतिभा पर चैनल के विश्वास के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि लीप के बाद भी शो को ऑडियंस का प्यार मिलता रहेगा। तो वहीं इस शो से अनुराग चहल टीवी की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। ऐसे में अपने किरदार और डेब्यू को लेकर अनुराग ने कहा, थिएटर में काम करने और सालों तक म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग करने के बाद मुझे अपने पहले टेलीविजन शो उडारिया में शामिल होने का अवसर मिला है। लंबे समय से चंडीगढ़ में रहने के कारण शहर में इस शो की शूटिंग के दौरान ऐसा लगा कि मैं घर पर ही वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। आपको बता दें कि अनुराग का इस शो में किरदार बेहद गबरू टाइप का होगा और बिल्कुल देसी टाइप का नजर आने वाला है। तो वहीं शो में आसमा का किरदार निभाने जा रही हैं अदिति भगत। अदिति ने अपने किरदार को लेकर बताया, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा, आसमा अच्छी तरह से शिक्षित और ईमानदार है। बाकी दो किरदार बिल्कुल देसी हैं, इसीलिए उनके बीच की केमिस्ट्री देखना दिलचस्प होगा क्योंकि वो अलग अलग दुनिया से। वही अदिति ने आगे कहा कि शो में नए लीड के रूप में कदम रखना उनके लिए चैलेंजिंग भी है। इस बारे में अदिति बताती हैं, बेशक चुनौतियां हैं, उडारिया वहां 2 साल से और सफलतापूर्वक चल रहा है, इसलिए लोग तुलना करेंगे और हमें ऊंचे स्थान पर बिठाएंगे और कहेंगे, ओ आप ये सही नहीं कर रहे। वो घबराहट जाहिर तौर पर है, लेकिन मैं वो दबाव नहीं लेने वाली और खराब परफॉर्मेंस नहीं करने वाली। मैं रहूंगी और शो में अपना बेस्ट दूंगी। आपको बता दें कि शो की नई स्टार कास्ट को लेकर लोगों के मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां कुछ फैंस मेकर्स से नाराज हैं और कह रहे हैं कि वो एक बार फिर से सेम ट्रैक को लेकर आ रहे हैं। वहीं कुछ फैंस नई स्टार कास्ट के साथ एक बार फिर से नई कहानी को लेकर अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अब देखना तो यह है कि नई कहानी और नए स्टार्स के साथ जनता शो को कितना पसंद करते हैं।